हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ MCO 6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन कंडक्टिंग अ मार्केटिंग रिसर्च एंड डिस्कस देम विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा, ये जो सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, ये नोट्स के माध्यम से ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं आपके लिए, लाइक रेडी हैं। अगर आप इन सबको परचेस करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से परचेस करते हैं कर सकते हैं आप। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा मेरे व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली मुझसे बात करके आप अगर चाहें तो इन सारे नोट्स को परचेस कर सकते हैं। फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जून 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके नोट्स रेडी हैं, आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आज के टॉपिक की तरफ चले आते हैं, जो कि है कौन से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में, और साथ ही साथ एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल देकर के आपको जो है इसको समझाने की कोशिश करने के लिए बोला गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ मार्केटिंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ मार्केटिंग रिसर्च, डिस्कस देम विद द हाइपोथेटिकल हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। आंसर, मार्केटिंग रिसर्च इज कैरिड आउट टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग मार्केट सिचुएशन और प्रॉब्लम्स। तो मार्केटिंग रिसर्च हम करेंगे क्योंकि अगर इसको बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करें तो मार्केटिंग रिसर्च तब किया जाता है जब किसी कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है मार्केट में। जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार आ रही होती है, खुद को लॉन्च कर रही होती है, तो उस टाइम पर वो लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं कि मार्केट का करंट सिचुएशन क्या है, इस टाइम पे मार्केट में एंटर करना ठीक होगा कि नहीं होगा, या उनको किस तरह के प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो उसके मार्केट में चलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वो लोग जो है मार्केटिंग रिसर्च को करते हैं। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे बोली गई है कि मार्केटिंग रिसर्च जो है इसलिए किया जा रहा है ताकि वो लोग मार्केटिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से समझ सकें, है ना। सक्सेस ऑफ द मार्केट रिसर्च लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट इज प्लान्ड एंड कैरिड आउट। ठीक है, आपका मार्केटिंग रिसर्च इस बात पर डिपेंड करेगा, इसका जो सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने मार्केटिंग रिसर्च प्लान को एक तरीके से तैयार करा है और कितने अच्छे तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। बिकॉज जितना अच्छे तरीके से आप इंप्लीमेंट कर पाओगे आपका आउटकम उतना ही बेहतर मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्केट रिसर्च जो है उसको अच्छी तरीके से प्लान करना और फिर उसको कैरिड आउट करना। ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच रिक्वायर सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मार्केटिंग प्रॉब्लम, है ना। तो ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, यहाँ पे कोई एक स्टेप नहीं होता कि आपने ले लिया बस उसी के बेसिस पर सारी चीजें हो रही है, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं ताकि आपका जो काम है वो सिस्टमैटिक और प्लान्ड वे में हो सके। ठीक है ना, तो इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये स्टेप्स कौन कौन से हैं जिसका इस्तेमाल मार्केटिंग रिसर्च में होता है? तो सबसे पहला है डिफाइनिंग योर प्रॉब्लम। आपको अपने प्रॉब्लम्स को सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है और मुझे इसी प्रॉब्लम का पता लगाना है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्व मुझे ढूंढना है, सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केटिंग रिसर्च दैट यू आर गोइंग टू डू, राइट। सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग द रिसर्च डिजाइन। अब आप जब रिसर्च करोगे तो उसका एक डिजाइन होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट होगा जिसको आप फॉलो करोगे आप अपने रिसर्च के टाइम पे, राइट। तो डिटरमाइनिंग द रिसर्च डिजाइन सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा है फील्ड वर्क एंड डेटा कलेक्शन। अब जब आपने रिसर्च को डिजाइन कर लिया कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे ऐसे करके, तो फिर अब आप फील्ड पे उतरे और फील्ड वर्क करके आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, प्राइमरी डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो। अब जब डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया तो फिर आपने उसको डेटा एनालिसिस किया, डेटा को आपने फिर एनालिसिस करना स्टार्ट किया और जो भी आउटकम निकला फिर उसका जाकर के आपने रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है ना, रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, दिस इज द लास्ट स्टेप विच अ पर्सन डू और कंपनी डू व्हेन दे कैरी आउट एनी रिसर्च। ठीक है ना, तो ये पांचों के पांचों जो है स्टेप्स हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट सेगमेंट्स मार्केटिंग मैनेजर्स इवेलुएट द अपॉर्चुनिटीज एंड सेलेक्ट ईदर वन, एक मिनट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट सेगमेंट द मार्केटिंग मैनेजर्स इवेलुएट द अपॉर्चुनिटीज एंड सेलेक्ट ईदर वन और मोर सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स फॉर लॉन्चिंग मार्केट कैंपेन्स। अब यहाँ पे एक नया टर्म है मार्केटिंग सेगमेंट, है ना। यहाँ पे सेगमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेगमेंट का मतलब है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हो तो आपका टारगेट मार्केट क्या है, जैसे आप किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, कोई भी एक प्रोडक्ट, सपोज मैंने सपोज फोन ही लॉन्च करा। ठीक है ना, कोई फोन मैंने लॉन्च करा तो उसका मेरा टारगेट मार्केट क्या होगा?
टारगेट मार्केट इन द सेंस मेरा सेगमेंट जो है, मैं कौन से ईयर के लोगों को लाइक टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर मेरा कोई ब्रांडेड न्यू फोन है तो उसका टारगेट मार्केट क्या होने वाला है? मैं क्या 18 से 40 साल की उम्र के जो बच्चे जो लोग हैं, क्या मैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर उनसे ज्यादा जिनका एज है मैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ? मोस्टली जो फीचर्स फोन होते हैं वो जिनकी एज ज्यादा होती है उनके लिए होते हैं, क्योंकि वो इजी टू यूज होते हैं, कन्वीनियंट होता है, ज्यादा उसमें फीचर्स वगैरह नहीं होते, तो लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं जिनकी एज ज्यादा है। बट जितने मॉडर्न लोग होंगे वो तो नई नई चीजें करेंगे ना, वो लोग तो वहां पे एप्पल या फिर एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर यूज टू विद दैट टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये मेरा मार्केट सेगमेंट हो गया, ये मेरा सेगमेंट है, मैं मुझे इस मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है ना? तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। तो आपको अपना मार्केट सेगमेंट जो है आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, मार्केटिंग मैनेजर जो है ये इवेल्युएट करते हैं कि उनकी अपॉर्चुनिटीज कितनी है, ठीक है ना? अगर वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो किस हद तक जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। मार्केटियर्स हैव टू डिसाइड विच सेगमेंट एंड हाउ मेनी सेगमेंट्स टू टारगेट। अब मार्केटियर्स को ये भी डिसाइड करना होता है कि कितने सारे सेगमेंट्स को टारगेट करना है ना? कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैन वुमेन सपोज इस तरीके से, तो वो लोग हर एक सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो ये उनको टारगेट मतलब डिसाइड करना होता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। टारगेट मार्केट रेफर्स टू द सेगमेंट विच एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट्स टू सर्व, है ना? वही बात बोली गई है कि टारगेट मार्केट का मतलब हो गया वो सेगमेंट जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रोडक्ट को सर्व करने की कोशिश कर रहा है, या फिर करना चाहता है कि इसी चीज को मैं टारगेट करूंगा, यहाँ पे ही मेरा प्रोडक्ट जो है ज्यादा चलेगा, ठीक है? आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, मार्केटियर्स इवैल्यूएट ईच सेगमेंट ऑन 5 फैक्टर्स, ठीक है ना? तो जब इन लोगों ने टारगेट मार्केट को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद वो लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं ऑन 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो लोग जो है उसको इवैल्यूएट करेंगे। पहला तो हो गया सेगमेंट साइज, आपका जो सेगमेंट है उसका साइज कैसा है, मतलब लाइक अगर हमारे इंडिया में पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हमारा जो 65 67 या 66% पॉपुलेशन जो है बिलो द एज ऑफ 35 है, तो सबसे बड़ा सेगमेंट तो यही हो गया, है ना? जो लोग यंग लोग हैं, तो सेगमेंट साइज आपको यहाँ पे देखना है, वर्थवाइलनेस देखना है चलेगा कि नहीं चलेगा, सेगमेंट मेजरेबिलिटी देखना है, सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस देखना है, सेगमेंट एक्सेसिबिलिटी, कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, बट ये सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख करके आपको जो है अपने मार्केट सेगमेंट को इवैल्यूएट करना होता है। आप चेक करते हो इसके बेसिस पे कि क्या ये सेगमेंट मेरे लिए सही होगा अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या नहीं, ठीक है? तो ये चीज हो गई। नाउ मार्केटिंग मैनेजर्स फाइंड आउट द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल फॉर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द सेलेक्टेड मार्केट सेगमेंट, है ना? तो मार्केटिंग मैनेजर्स यहाँ पे फिर फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके जरिए वो लोग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सा तरीका वो लोग अपनाएंगे, लाइक उसकी हैवी एडवर्टाइजिंग करेंगे, किसी स्टार को लेकर के चले आएंगे ताकि वो उनका प्रोडक्ट को लॉन्च करे, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। यो कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कॉमा होगा एक्चुअली। काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, आपका प्रोडक्ट मार्केट किस तरीके का है, कवरेज दैट फर्म्स टेक्स फॉर द फ्यूचर, है ना? कवरेज जो है वो कैसा रहेगा फ्यूचर में जाकर के, इन्फ्लुएंस द टारगेट टारगेटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजंस, है ना? तो ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग मैनेजर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो अपने इन चीजों को करेंगे, मतलब कौन से प्रोडक्ट को लाएंगे, किस तरीके से उसको लॉन्च करेंगे, किस तरह का उनका प्रोडक्ट होगा, काइंड ऑफ प्रोडक्ट कवरेज, है ना? फ्यूचर में जाकर के कंपनी किस तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस करेगी अपने टारगेट मार्केट को, स्ट्रेटेजी डिसीजन एंड ऑल, तो ये सारी चीजें इसमें है। एंड द प्रोडक्ट मार्केट कवरेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाई रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और जब प्रोडक्ट मार्केट कवरेज होता है वो इन्फ्लुएंस होता है हाईली जो भी आपके पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन से, उससे वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब आपकी अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो कैपेबिलिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो अगर अच्छी होगी तो आपका जो जो प्रोडक्ट का मार्केट कवरेज है वो भी बड़ा होगा। आप कितने अच्छे तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हो, दिस इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे कोई भी मार्केट कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल पाता है, ठीक है ना? दीज प्रोडक्ट मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है ना? तो दीज प्रोडक्ट मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो यहाँ पे किस तरीके से आप अपना मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी को प्लान करोगे इसको भी बताया गया है। तो यहाँ पे तीन तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है? दूसरा है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, तीसरा है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है? सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस
जो इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग इज यूज्ड बाय द कंपनीज हुज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कॉम्पिटिशन इज इमेंस, है ना। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की जा रही है किसी एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। आप यहाँ पे इन लोग फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, आपको किसी एक चीज पे ही लाइक कॉन्सेंट्रेट करके अपने काम को करना है। और इसलिए ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। आपके पास अगर पैसे ज्यादा होंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपना सकते हो प्रोडक्ट को अपने एडवर्टाइज करने के। बट अगर आपके पास पैसे कम है, रिसोर्सेज आपके पास कम है और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, तो आप कोशिश करोगे ना कि जिस चीज में जहां पे आपका प्रोडक्ट चलेगा आप उसी प्रोडक्ट को लाओ, या जहां पे आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बिक पाएगा उसी मार्केट में आप उसको लॉन्च करो। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होने के कारण और कॉम्पिटिशन इमेंस होने के कारण कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग की जाती है। ओके, कंपनीज इन दिस केस स्ट्रेच देयर मार्केट बजट एंड कवर अ लार्ज नीश, है ना। यहाँ पे कंपनीज जो होती है अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच करती है और एक लार्ज नीश, नीश एक नया वर्ड है यहाँ पे। नीश का मतलब हो गया कि आप जैसे कि मैं वीडियोस में जो बना रहा हूँ, तो ये मेरे वीडियोस का नीश क्या है, मेरे वीडियोस का नीश है एमकॉम, ठीक है। मैं इग्नू के एमकॉम स्टूडेंट्स को टारगेट करके उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे लिए नीश हो गया इग्नू का एम कॉम। इग्नू का बी कॉम उसी तरीके से मेरे लिए एक डिफरेंट नीश है। तो नीश का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई चीज जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जिसको जिसके जिसके ध्यान में रख करके आप सारे कामों को अपना कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे नीश, ठीक है ना। तो अपने नीश को कवर अप करने के लिए ये लोग अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच भी करते हैं, ठीक है। इन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड टू टारगेट वेरियस मार्केट सेगमेंट्स विद डिफरेंट मार्केटिंग ऑफर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि मार्केटिंग जो मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि अपने टारगेट टू टारगेट वेरियस मार्केट सेगमेंट्स विद डिफरेंट मार्केटिंग ऑफर्स, ठीक है ना। तो एक सेगमेंट के लिए अलग ऑफर होगा, दूसरे सेगमेंट के लिए अलग ऑफर होगा। तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का मतलब हो गया कि आप अपने सेगमेंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हो, आप अपने जो भी आपका जो तरीका है बेचने का आप उसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो सेगमेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो हर एक सेगमेंट का जो रिक्वायरमेंट है, हर एक सेगमेंट का जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को प्लान करते हो, ये यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग जो है यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है आंसर में, इसको मैं इंक्लूड करके नहीं तो बाद में इसको इशू कर दूंगा, इसका जो नोट्स इशू करूंगा तो मैं साथ में कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसपे मैंने इस टॉपिक को कवर करा है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ मार्केटिंग रिसर्च, डिस्कस देम विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके देन।